Okay, then. Thank you.
श्रद्धांजलि दे सस्कर्तित कुछ निर्गुण से सेवा करो। चेतावनी निर्भर है जो विरह अपने पिया के विरह में अपनी सखी सहेली से कहती है कि यवराज के थानेदार कैसे मेरे पिया को ले लिया। ओ विरह उस परमात्मा से उल्हना देती है और अपने सखी से कहती है Yeah।
इस चेतावनी भजन के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश देते हैं हम समस्त मानव को कि संसार में कहते हैं हर चीज हर वस्तु हमारी है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं। जिस शरीर को परमात्मा ने बनाकर भेजा है, ये खूबसूरत शरीर जो 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ बनाया परमात्मा, इस शरीर की भी कोई गारंटी नहीं। बड़े ही सुंदर एक चेतावनी भजन है, तेल किसे कहते हो परमाने अपने कौन है तुम्हारा चाहे लगालो से जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न
शताब्दी बज रहे जिस माया के जंजाल में उलझ कर रह जाती है हमारी जिंदगी और प्रभु को याद नहीं कर पाते हैं। इस भजन के माध्यम से मेरे सुंदर संदेश है कि ठगनी क्या लेना चुकावे, क्या मैं सुपत्नी
Thank you.
देते हुए कहते हैं कि संसार की कुछ भी वस्तु तेरे साथ जाने वाली नहीं, सब नहीं है। ये शरीर पर तुम्हें बड़ा गुमान है, अहंकार है, इस शरीर को भी किसी संसार में छोड़ कर जाना होगा। इस शरीर भी तुम्हारा नहीं है। भवर तो बड़ा
Thank you.
आज की इस सभा में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, श्रोतागण, सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं आज आदरणीय स्वर्गीय राम लखन महतू जी की दूसरी पुण्यतिथि पर दो भजन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। Thank you.
रसी
साथ अब मैं श्री कविता मिश्रा जी को मंच सौंपा। धन्यवाद। संसार की हर वस्तु झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। जो दिख रहा है वो असत्य है, केवल मृत्यु ही सत्य है। जब यमराज रूप के थानेदार इस जीव रूपी जीवात्मा को इस रूपी महल से निकाल कर अंधेरा कर संसार में छोड़ जाता है, जब जीवात्मा को ले जाता है, तो जीव कहती है कि उस पिया के पास कैसे जाओगे सखी, वो पिया रहते कहाँ मां का पता नहीं। Oh,
Oh,
स्पर्श से काव्य वसंत। जो उम्र हमारी यूं ही चली जा रही है, थोड़ा सा समय निकाल कर प्रभु को भी याद कर लिया करो जिन्होंने सुंदर शरीर बनाया है। चली जा रही है उम्र धीरे
अखिलेश्वर प्रसाद राय किसान प्रकोष्ठ के महासचिव जिला जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनके ओर से सौसने इस भजन पे 501 रुपए का आशीर्वाद उन्होंने भेजा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर सदा ही आपकी मन्नत को पूरी करे। ईश्वर की कृपा दृष्टि सदा ही आप पर बनी रहे। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, पर हम उन्हें बुलाते ही नहीं। ये संकेत करते हुए भक्तों ने कहा कि भगवान कैसे आएंगे जिस मन मंदिर में रहते हैं प्रभु, वहां से तुमने उन्हें बुलाया नहीं। अपने मन रूपी आंगन में ज्ञान का झाड़ू लगाकर उस कचरे को बाहर निकाल दे तो आएंगे भगवान। बड़ा ही सुंदर भजन है कि हमने आंगन नहीं बुहा कि हमने आंगन नहीं कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे Thank you.
शुरुआत होनी है। सभी धर्मों के द्वारा आज आदरणीय स्वर्गीय राम लखन महतो जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि विधिवत इस सभा की शुरुआत आप प्रारंभ करें। हेलो, 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 हेलो,
हेलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय भट्टो हरि हरि ओम महाकविलाय इंद्र वृद्धसर्वाहा स्वस्तिनः विश्वभेदा स्वस्ति न तारिक्षो हरिष्टनेमि स्वस्ति नो मरुतः शोभन्यावानो विदत एको जगमयः अग्निरिहवा मनवः सोरक्षको विस्मेनो अवसागमान्या भागं कर्णवेनयां देवाभातं पतयमत विजय स्थिरे दुजो जयायो सतमेतो शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्रा जरसन्तनो न पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मर्यादिरिक्तकायुग्रगन्तो मादित्या स पिता स पुत्रा जय देवा रदिते पञ्च जना ॐ सदौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः विश्वे देवा शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेधि शान्तिरेधि यतो यतः समिहले ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रत्याप्य भवतु ॐ श्रीमनगणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीवन्द्राभ्यां नमः मातृपितृत्रे चरणकमले यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ शर्वभ्यो देवभ्यो नमः ॐ शर्वेभ्यो ब्रह्मेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ शान्ति शान्ति भवतु। आपसे अनुरोध है कि जो भी अपने अपने धर्म के पंडित हैं अपना धर्म और अपना परिचय देते हुए मंत्रोच्चारण को प्रारंभ करें। अपना परिचय और आप किस धर्म से संबंधित हैं ये आप बताते हुए आरंभ करें। समस्तीपुर जामा मस्जिद के नायबे इमाम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे माननीय राम लखन महतो के पुनर्तिथि में हम लोग शिरकत फरमा रहे हैं और उनके आत्मा के शांति के लिए उनके रूह को अच्छी तरह अच्छी जगह मिल जाए, उनके रूह को कोई तकलीफ ना हो, उसी के चलते हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके मगफिरत के लिए हम लोग दुआएं मगफिरत करेंगे। और हमारा नाम अब्दुल कादिर है, तो हमारा परिचय करीब करीब हो चुका होगा, तब हम शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد सतनाम बंदी छोड़ सतनाम बंदी छोड़ सभी संतों के चरणों में जे तिपेखन बंदगी बड़ी दुखी बात है कि हम लोग को बड़ी मौका से इनकी सुभाष आरंभ पर फूल अर्पण करने के लिए मौका मिला और राम लखन बाबू की जय। सत्कारियों स्वर्गीय राम लखन महंतो जी दी द्वितीय तिथि में पहुँचे सभी सत्संगी जनों सबसे पहले आप जी को प्रणाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। दास सुरजीत सिंह जो कि गुरु की कृपा द्वारा समस्तीपुर गुरुद्वारे में सेवादार निमाड़ा सा सेवादार गुरु का जो कि सेवा निभाने का जतन कर रहा है तो सतगुरु जी का प्रमाण है साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। सतगुरु जी का उपदेश है कि इस संसार में अगर प्राणी आया है वो लाहा खटने के लिए अच्छे कर्म करने के लिए और अंत में उस परमात्मा को पाने के लिए आया है क्योंकि दुनियावी पदार्थ जितने भी है जो भी वस्तु पदार्थ हम लोग देख रहे हैं ये सब बिनसंहार है। इसने एक दिन हमारी आंखों से ओले हो जाना है। कहने का मतलब ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जो हमें श्वास मिले हैं परमात्मा के द्वारा ये भी हमें गिनती के अनुसार मिले हैं और किसी का ये नहीं पता होता कि किसके श्वासों की गिनती कब पूरी हो जाए ये सब को परमात्मा ही जानता है।
सो इस श्लोक में, इस पंक्ति में सतगुरु जी समझाते हैं, साथ ना चाले बिन भजन विख्या सबली सार। परमात्मा की जो भक्ति है, नाम सिमरन है, उसकी जो इबादत है, वही साथ निवृत्ति है। उसके द्वारा ही हम लोग इस संसार में सुखी रह पाते हैं। और जब उस दरगाह में हम लोग अंत में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा मुख उज्जवल होता है। साधना चाले बिन भजन विखिया सबली सार, हर हर नाम कमावना नानक इहु तन सार। इस संसार में आके हरि का नाम, बंदगी, सेवा, अच्छे कर्म किए जाए, वो ही हमारे साथ निभते हैं। और अच्छे कर्म, बंदगी, सेवा ही साथ में जाती है। सो स्वर्गीय सत्कार योग राम लखन जी को श्रद्धांजलि को समर्पित करते हुए हम लोग अपने धर्म के मुताबिक मौन मंत्र का जाप करते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूने सपंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। और गुरु से यही अरदास है कि उस रूह नो, उस महान आत्मा को परमात्मा सदैव काल वास्ते अपने चरणों कमलों में निवास बख्शे, आवागमन के गेड़े से बचा के और अपने चरणों में अभेद करे। और ये जो आप जिन्हें समुच्चा जो सत्संग किया है, इसका महत्तम, इसका भाव और उस मान आत्मा नु प्रदान होवे। भूल चूक की क्षमा करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सनातन धर्म आर्य समाज से आए हुए हैं। सत सनातन वैदिक धर्म, सदियों से ये वैदिक धर्म है। राम भगवान कृष्ण भगवान ये वेद पर चले हैं, वेद के आधार पर चले हैं। तो हम लोग तीन बार ओम का सभी लोग उच्चारण करें। परमात्मा का मुख नाम, निज नाम ओम है, तो सभी लोग ओम का हम लोग उच्चारण करें साथ। उसके बाद गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे, अर्थ पाठ करेंगे।
गायत्री मंत्र उच्चारण हम लोग सब लोग करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ पाठ हिंदी में, अर्थ पाठ पर परमात्मा से हम क्या कहे हैं ये देव भाषा संस्कृत में बोले हैं, सब लोग जब समझिएगा तो लाभ मिलेगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार दिलाया। वेद का मंत्र सभी लोगों का, स्त्री पुरुष, परमात्मा का कर्ज स्त्री पर भी पुरुष पर भी है, लेकिन धर्म के ठेकेदार लोग कहे थे कि महिला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने, अभी भी नहीं पढ़ने देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा है जब लोग गायत्री मंत्र और वेद पाठ करते हैं। सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप कर लिए हैं, अब हम लोग अर्थ पाठ करेंगे। ध्यान पूर्वक परमात्मा को ध्यान लगाएंगे, परमात्मा से कुछ मांग लीजिए, दिवंगत आत्मा की शांति मिले, हम लोग सभी लोगों को सुख शांति मिले। स्वर्गीय राम लखन बाबू की जय। बोलिए हे परम पिता परमात्मा। हे प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही प्राते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चला। भगवान हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर ले चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर ले चला, धर्म मार्ग पर ले चला, सत्य मार्ग पर ले चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातः में हम लोग उठे, सायंकाल उठे, सोए उठे तो भगवान का याद करना, ओम में सारा नाम आ जाता है। ओम का उच्चार परमात्मा का मुख नाम निज नाम ओम है। ईश्वर असुर साधना हम लोग आठ मंत्र से हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद शांति पाठ करते हैं। ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव, यद् भद्रं तन्नो आसुव। बोलिए हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ईश्वर, शुद्ध स्वरूप, सब सुख के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्विष्णों को दूर कर दीजिए, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हम लोग को प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः भूतस्य जाता प्रतिरेक आसी सौधाधार पृथिवीं धामुक्तेम कस्मै देवाय विषाभिधेम। अर्पण तू ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, तू ही स्वयं प्रकाश चेतक शुद्ध स्वरूप सुख जाता है, सूर्य चंद्र लोक आदि को तू रस्ता और टिकाता है, पहले था अभी भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी, परमात्मा ने अंतर्यामी है। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रतिशम यस्त देवा
यस्त छाया अमृतम यस्त मृत्यु कस्मै देवाय विषाभिधेम। तू ही आत्म ज्ञान वल दाता स्वस्विरन सब गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो मैत्रेद्रा जगतो भगवा जैसे असद कस्मै देवाय विषाभिधेम। तूने अपने अनुपम माया से जग में ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रज कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेते देकर तब चरणों में आते हैं। ओम ये न दुर्गा पृथ्वी चरणा ये न स्व ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय विषाभिधेम। तारे रवि चंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरती को धारण कर तूने कोशल अलग लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवान तेरा भजन अमृत का पान करे। ओम प्रजापते न तदेतानन विश्वाजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुमस्तनो श्याम पत्रो रयीनाम। तुझसे भरा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जल चेतन सब तेरी रचना तुझसे आश्रय पाया है। हे सर्वो विश्व का तूने साथ सजाया है, धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। धन के बिना कोई कहे परमात्मा से धन भी मांग रहे। ओम शनो बंधुर्जानिता स्वविधाता धामानि वेद भुवनानि यत्र देवा अभिधन्तः। ओम परमात्मा का मुखना ओम है। तू गुरु है, परदेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है, तू ही सखा बंधु मम तू तुझे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवन से तू ही मुक्त कराता है, तू ही अजत अजत महाप्रभु सब काल का ज्ञाता है। दुख में सुख में परमात्मा का शरण में रहते हैं। ओम अग्ने सुखताराय अस्मान विश्वानि देवगुणान विद्वान यो दस जुरानो मेनो विश्वते मुक्ति देम। ओम तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार, तू ही रचना निस्तिम रटे तुम ही को मन में बसता सदा तू ही। ओम रचना कहा गया जीव को, रचना निस्तिम रटे तुम ही को मन में बसता तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। बोली सब हाथ जोड़िए। हे ईश्वर दया निधि भगवती पानी जो उपासना आदि करना धर्म अर्थ काम मुख्या नाम श्रद्धा सिद्धि भवे न। ओम नमस्कार मंत्र, ये नमस्कार मंत्र है। ओम नमोम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम एक प्रार्थना है सब लोग कर देते हैं, कोई कार्यक्रम करे दीव यज्ञ करो, वैदिक विद्वान बोला के यज्ञ करा लीजिए। यज्ञ से सारा पर्यावरण शुद्ध होता है, सारा देवता को खिलाने का व्यवस्था है। लोग थोड़ा सा गोठी है महागौर की जरा काम कर लेते हैं। दीव यज्ञ वेद मंत्र द्वारा हवन आहुति होना आवश्यक रहता है। ठीक है सभी लोगों को सादर नमस्ते। मेरा नाम है कृष्ण कुमार आर्य, हितवारपुर निजामत के रहने वाला हूँ। सन 1980 से आर्य समाज का मैं दीवाना हूँ। तो महर्षि दयाल की कृपा से आप लोगों को सेवा करने का मौका मिला। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को कृपा से आशीर्वाद दीजिए। ओम शांति शांति। सभी लोग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कार्यक्रम संपन्न किया गया। अभी आप सभी सर्वधर्म सभा के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किए। अब इसके बाद मैं पुनः जितने भी कलाकार हैं मंच के भजन के कलाकार उन सभी से अनुरोध है कि आप पुनः मंचासीन हो जाएं। जितने भी भजन के कलाकार गण हैं आप सभी से अनुरोध है कि आप पुनः मंच पे आसीन हो जाएं। और जितने भी आगंतुक अतिथिगण हैं
सम्मानित श्रोतागण हैं एवं परिजन हैं, आप सबों से अनुरोध है कि अपने कर कमलों के द्वारा पुष्प सुमन अर्पित करें। आपके समक्ष स्वर्गीय राम लखन महतो जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार की प्रतिमा उपस्थित है। आप सबों से अनुरोध है कि बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से आएंगे और पुष्प सुमन अर्पण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि बारी बारी से ना, वो सब ना होता है, झगड़ा हो जाएगा। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आप सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आए और पुष्प अर्पित करें। जितने भी परिजन परिवार के सदस्य आप सबको से अनुरोध है कृपया बारी बारी से क्रमबद्ध रूप में आएंगे और सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओ, 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 सुखी एक भजन सुनिए, सभी लोगों को सुखी कामना किया जाता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। हमारे जितने भी अतिथिगण यहाँ आए हैं, सबसे पहले आप सभी लोग का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि पापा के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पे आप सभी लोग आए हैं। लेकिन एक आग्रह है, विशेष आग्रह है कि कोई भी जो यहाँ पे आए हैं बिना खाए हुए नहीं जाएंगे। और बारी आग्रह यह है कि बारी बारी से एक साथ सभी लोग ना उठे, यहाँ पे बिल्कुल गाना चल रहा है, बैठे रहे, 10-15 की संख्या में, 20 की संख्या में लोग आगे बढ़े, खाना खाए और धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वहाँ पे भीड़ नहीं लगाए। सारे लोगों का खाने का
यहाँ प्रबंध किया गया है, कोई भी लोग यहाँ से भूखे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी की तरफ से प्यार भरा सलाम है, अदाब प्रणाम। बहुत दुख की बात है, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और अपने बेटे प्रशांत कुमार से जितना वो प्यार करते थे, हम लोगों ने बेटे की तरह प्यार दिया। रामलखन मांडू जी का जहां भी प्रोग्राम होता था तो मुझे छोड़ते नहीं थे, और हम ललित भाई बहुत सारे प्रोग्राम में वो बिताया हुआ पल मुझे आज याद है। वक्त बहुत कम है, आइए मन्ने डी वर्ल्ड चैंपियन सिंगर उनकी गाय विकसित पेश कर रहा हूं।
कसमी बाकी प्यार वफा सब ना ते है ना तेरे साथ चलेंगे।
यादें एक लिखो पेश कर रहा हूं। सातनपुर के निवासी उनकी तरफ से ये आशीर्वाद आया है और स्वर्गीय रामरतन महतो जी उनके चाहने वालों की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चंद शेर पेश कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज। जब लोग दुनिया वैसे इंसानों से भरी पड़ी है, मगर इस दुनिया में चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी यादें छोड़कर चले जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी को यूं ही गुजार देते हैं। और सामने हमारे अंकल राम दयाल जी भी बैठे हुए हैं, क्या बात है। और हमारे अंकल रामकरण चौधरी, मैं इनके सामने ही कुछ गाना बजाना सीखा और इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं गाया नहीं। मगर अश्विन देवी जी भी मुझे बहुत दिन से सुन नहीं है, बोल भक्त क्या धाम में इनका आगमन हमेशा रहता है और ये महादेव का कृपा है। आइए चले थे आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पढ़ाई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न होता था तो स्वर्गीय मंत्री जी मुझे अलग अलग भाई से कहते थे कि तुम लोग खाना जरूर खा लेना और कुछ भी कभी मुझसे कहना। और उस बात है जब इस तरह के छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को बहुत दुख होता है और अपनों के जाने का गम कभी नहीं होता है। आइए ओ दूर के मुसाफिर हमको अकेले, हम रह गए अकेले, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ मिले, हम रह गए अकेले, हम रह गए Yeah.
आइए एक गाने के बाद वीना जी समस्तीपुर की जानी मानी हुई सिंगर जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने दिया और ये निधि जी जिन्हें हम लोग को यहाँ तक बुलाया बहुत ही शुक्रिया क्योंकि मंत्री जी के चरणों में कुछ कहने का मौका मिला। आइए सॉन्ग ले रहा हूँ
जयंती मनाई जा रही है और उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं और हमारे मंत्री जी जो अपने दोस्तों के बीच, अपने भाइयों के बीच, अपने समाज के बीच जो उन्होंने पल बिताए और यादें छोड़कर चले गए, उस याद को मैं पेश कर रहा हूँ। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है और ये मेरा है, मुसाफिर है, नहीं थी अपने मंजिल पे जा रहा है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।